हेलो बच्चों नमस्कार कैसे आप सब लोग उम्मीद बहुत अच्छे होंगे बढ़िया हाँ बच्चों आ जाइए सब लोग एक बार जुड़ते हैं और फिर करते हैं ज़बरदस्त वाले सवाल बेटा आज लास्ट वीडियो होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का और मैं समझता हूँ कि फिर आपके इसके डाउट्स नहीं बचेंगे और बहुत मज़ा आ रहा होगा इसके सवालों को करने में और मुझे लगता है कि सवाल आसानी से हो भी रहे होंगे और बच्चों मैं आपको हमेशा एक सलाह देता हूँ कि अगर आपका बुक से क्वेश्चन नहीं होता है तो उससे पैनिक नहीं होना है पर जो हो रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है यही मूल मंत्र है मैथ्स को सीखने का ठीक है बच्चों तो इसलिए मैथ्स को अगर अच्छे से सीखना है कॉन्फिडेंस लेके आना है तो जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको बार बार करिए टेस्ट आपका सैटरडे में सिर्फ इसी वजह से लिया जाता है अब तक क्या जो भी पूरे हफ्ते पढ़ाया है उसी में से टेस्ट होता है बच्चों तो ये सूर्य बैच की खास बात है और बाकी बच्चों बाकी जो चीज़ें आपकी चल रही हैं जो दोपहर का रिवीजन चल रहा है स्पेशली दो से पाँच वो आपका मैथ रीजनिंग हिंदी ठीक है सबसे पहले हिंदी दो बजे फिर रीजनिंग फिर मैथ ये सूर्य बैच का ही रिवीजन है बच्चों साथ में बेटा लास्ट में साढ़े पांच बजे जीएस की क्लासेस भी वो भी रिवीजन की क्लासेज है अर्थात तो वो भी आपको लेनी चाहिए वो इस हफ्ते थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है नेक्स्ट वीक से बिल्कुल स्लॉट पर वो चलेंगी ठीक है चलिए तो कुल मिलाकर के रिवीजन बहुत जरूरी है उसको साथ साथ करते रहे मैं हमेशा कहता हूं रीड लेस रिविजन मोर अगर करोगे तो कंपटीशन हमेशा निकलेगा चलिए <coughs> बफ हो रहा है बेटा बफ तो हमारी तरफ से तो नेट ओके है अच्छा हो गया होगा बीच में जब इतने सारे बच्चे कह रहे हैं तो चलो अभी ठीक है बेटा अभी तो शायद ओके होगा अब तो कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज देखिए आप अब बफ की रिपोर्ट ओके कर दें और फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर हाँ वीडियो रुक गई नहीं अब तो ठीक है ना बच्चा हाँ चलिए ठीक है अच्छा है गुड मॉर्निंग सभी को और बेटा आज के क्वेश्चनों पर हम लोग चलते हैं चलिए पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों देखना एक बार कि ये क्वेश्चन क्या कहता है एक पेटी में एक दर्जन शीशे हैं बेटा एक पेटी में एक दर्जन शीशे इसका मतलब बारह शीशे होंगे बताइएगा बारह शीशे शीशे कितने हैं बारह पेटी जैसे ही गिरी तो ये दो भागों में टूटेगी बेटा दो भागों में जैसे गिरी कुछ तो टूट गए शीशे टूट गए टूटे हुए हो गए और कुछ हो गए बिना टूटे हुए तो ये न्यू कह रहा है कि किस रेशो में इनमें से टूट सकते हैं और कौन से में नहीं टूट सकते तो बेटा बस आपको ये देखना देखिए बारह हैं तो ऐसा भी हो सकता है सात टूटे हो पांच बिना टूटे हो और ऐसा भी हो सकता है आठ टूटे हुए हो चार बिना टूटे हुए हो आठ चार यानी ये रेशो दो एक का भी बन सकता है आपके टूटे हुए का रेशो सर ऐसा भी हो सकता है कि टूटे हुए हो छह बिना टूटे तो रेशो एक एक का भी बन सकता है तो ऐसे कौन सा रेशो बन कहा अच्छा एप्लीकेशन में दिक्कत हो रही है बफ की अच्छा वीडियो प्ले नहीं हो रही अच्छा बेटा एप्लीकेशन में वीडियो प्ले नहीं हो रही हम लोग कर रहे हैं सही से है ना अभी एक मिनट के अंदर चल जाएगी एप्लीकेशन वाली वीडियो एक मिनट के अंदर चल जाएगी चलो ये बफ इसलिए आ रहा है क्या यूट्यूब पे ठीक है अच्छा एप्लीकेशन पर दिक्कत कर रही है करो 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 एप्लीकेशन की करो कर रहे बेटा एक मिनट लगेगा टोटल चलिए एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा रुक जाता हूं बच्चों तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको देखिए कौन सा टूटे हुए और बिना टूटे हुए का रेशो हो सकता है बच्चा तो देखिए हम कहें कि ये दो और एक तीन रेशो में है अर्थात तीन से बच्चों इस रेशो में बांटा जा सकता है बारह को या नहीं बेटा बांटा जा सकता है इसमें आठ और चार बट जाएगा कि नहीं ये दो एक का रेशो होगा कि नहीं कहने का मतलब है इसके अनुपातिक योग से जो बारह कट जाएगा वो रेशो हो सकता है अभी चालू एप्लीकेशन में अभी कोई बफ नहीं है बच्चों एप्लीकेशन में चालू हो चुकी है चलिए ठीक है बेटा हाँ प्रैक्टिस सेट बेटा कौन सा वो हिंदी वाला तो तीस मिनट का होता है तीस से पैंतीस मिनट का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चालीस से, से पचास मिनट पचपन एक घंटा भी चला जाता है कभी और मैथ्स का भी पचास मिनट एक घंटे के आसपास ही होता है और हिंदी का तो तीस ही मिनट का होता है बच्चों वो सॉरी जी का तो ठीक है हिंदी जी एस तीस मिनट के प्रैक्टिस सेट है चलो बहुत बढ़िया अभी ठीक है यार बफ क्यों आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा क्लास यूट्यूब पे सही नहीं चल रही क्या बच्चों बताना जरा एक बार यार क्लास सही नहीं चल रही क्या बफ बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत है ही आप लोग देखिए एक बार जरा और मुझे बताइए कहाँ से दिक्कत हो रही है आ, यार बफ तो होना नहीं चाहिए नेट इतना जबरदस्त आ रहा है।, है तो सही चल रहा है बेटा यहाँ तो, तो एकदम सही चल रहा है पता नहीं फोन पे भी मैं लोग हम लोग देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है पता नहीं क्या बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बफ के YouTube की तरफ से दिक्कत है क्या कोई आज ओहो ऐड भी अभी आ हमें भी ऐड दिखाओगे चलो भाई यार सही चल रहा है मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक सा लग रहा है अभी अभी देखना बफ होता है बीच बीच में होता है बस अच्छा नो बफ अच्छा देखता रहे भाई मोबाइल में चला के हमें भी पता चलती रहे बच्चों को असुविधा नहीं होनी चाहिए अब तो ठीक है फिलहाल बताइए ओके है फिलहाल सब ठीक है आगे बढ़ सकता हूँ ऐप पर नहीं चल रही ऐप पर अब चल रही है बच्चा ऐप पर अभी चालू है ऐप वाले ऐप पर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है चलिए ठीक है हाँ क्लास बंद हो जाती है बीच में अच्छा अब नहीं होगी अब देखो एक बार प्लेयर टू में चला लीजिए अगर प्लेयर वन में दिक्कत आ रही है किसी को ऐप पर अगर प्लेयर वन में दिक्कत आ रही है प्लेयर टू में देख लीजिए बच्चे प्लेयर टू रिफ्रेश करके वापस आ जाइए ऐप में रिफ्रेश करके वापस आ जाइए बच्चे है ना ऐप से बाहर निकलिए फिर से वापस आ जाइए ऐप में तो शायद सही चलेगी कोई दिक्कत नहीं है प्लेयर टू में प्लेयर टू में देख लीजिए प्लेयर टू में देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी चलो मैं पढ़ाना शुरू करूं आपकी इजाजत हो तो चल गई क्लास चल गई चल गई चल गई बीच में सही चला गया था चलो अब तो ठीक है मेरे ख्याल से चलो क्लियर है बढ़े आगे बेटा YouTube की तरफ से वो बफ था हमारी तरफ से तो नहीं है कुछ भी दिक्कत चलो है अभी ठीक है मैं बढ़ सकता हूं बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं <coughs> ये कह रहा है एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे पेटी के गिरने से कुछ टूटेंगे कुछ बचेंगे तो कह रहा है टूटे हुए और बिना टूटे हुए का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता बेटा क्या बारह शीशे को इस अनुपात में बांट पाओगे या नहीं बांट पाओगे बांटते कैसे हैं सर ऐसे बांटते दो बटे अनुपात योग तीन तो बेटा बट जाएगा या नहीं बटेगा अब इसमें के बारे को क्या बटेगा हाँ तीन ये हमने टूटे हुए देखे बटे अनुपातिक योग चार गुना बारह तो कुल मिला के ये भी कट रहा है तो कुल मिला के अनुपातिक योग से जो संख्या कटेगी वो वो बट सकती है तो इसमें इस बांट सकते हो क्या बारह को बेटा इसमें तो बट ही गया सात टूटे पांच बिना टूटे बारह से बारह कटी जाएगा लेकिन पांच से बारह नहीं कटेगा इसलिए मैं ऑप्शन सी कह दूंगा इसलिए ऑप्शन में सी कह दूंगा बच्चों इसलिए ऑप्शन सी कह दूंगा ठीक है रिफ्रेश करके चला लो यूट्यूब में भी अगर किसी को बफ आ रहा है बच्चे तो यूट्यूब से बाहर निकलिए फिर से यूट्यूब पे आ जाइए अगर यूट्यूब पे लगातार बफरिंग चल रही है अभी ठीक है अपने फोन को एक बार बेटा ये यूट्यूब की तरफ से कुछ था हमारी तरफ से सब ओके है चलो <coughs> और ये सभी चैनल पे एक साथ हुआ होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं एक बार बाहर निकल के और वापस आ जाइए बच्चे अगर आपको बफ चल रहा है तो है ना बाकी सब ठीक है <coughs> बेटा बस पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं था कि कौन सा संख्या 12 है ना एक दर्जन क्या है बारह सीसे बारह सीसे से के अनुपातिक योग से कटेगा और कौन से, से नहीं कटेगा दो और एक तीन से बारह कट जाएगा तीन और एक चार से बारह कट जाएगा सात पांच बारह से बारह कट जाएगा पांच से बारह नहीं कटेगा इसलिए यही उत्तर था ठीक है देखिए ये कह रहे हैं यार बफ है रुक रही है अच्छा भाई रुक रही है भाई क्लास आज तो कमाल हो गया यार इतना मन से पढ़ाने के लिए लाए थे और फिर जो है रुक जाती क्लास बड़ा यहां से कोई बफ नहीं है आज आज पता नहीं क्या हो रहा है ये यूट्यूब की तरफ से इशू आ रहा है कुछ है ना रही है ना रुक रुक के चलिए तब तक अगले क्वेश्चन को देख लीजिए तब तक हम देख रहे हैं अपने एंड से हम अपने एंड से देख रहे हैं बिल्कुल बच्चा बहुत बफ हो रहा है तो मैं भी कैसे कह दूं कि आप कैसे पढ़ पाएंगे है ना बेटा मैं इस वीडियो को ना दोबारा से अपलोड भी करवा दूंगा अगर ऐसे ही मुझे लगा कि कहीं दिक्कत कर रही है ठीक है तो रिकॉर्डिंग <coughs> कर दो स्टार्ट हाँ ठीक है चलिए <coughs> आज बफरिंग ने बहुत समस्या की है बच्चों को बेटा एक बार बाहर निकल के करंट में भी ऐसा ही हो रहा था अच्छा तो आज बेटा ये ना करंट तो जबकि हमारी दूसरे स्टूडियो से होती है ये दूसरा नेट कनेक्शन है दूसरी स्टूडियो है तो फिर ये यूट्यूब की तरफ से ही है आज है ना <coughs> अगर हमारी तरफ से होता तो फिर एक ही वीडियो पे होता है तो करंट पे होता है या हमारी पे होता चलिए बढ़े आगे <coughs> अरे यार हिचकी भी आ गई आज तो पहली बार क्लास में चलिए शुरुआत करता हूं मैं बच्चा आ रहे हैं परेशान हो रहे हैं बड़ा दुख हो रहा है मुझे है ना चलिए एक 35 लीटर की मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पांच अनुपात दो है यदि इसमें पांच लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बेटा बहुत आसान है पैतीस लीटर में दूध और पानी का अनुपात है यानी मिल्क एंड वाटर का रेशो है पांच रेशो दो यही रेशो है ना बच्चों अब इसमें क्या बोला है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा अगर पांच लीटर दूध और डाल दें तो बेटा जब भी ये रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का क्या 35 लीटर को बांट के ये बता सकते हो कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है बच्चे बांट तो सकते हो आप आराम से बांट तो पाओगे ना मिल्क कितना है पांच बटे अनुपातिक योग यानी सात गुणा पैतीस तो मैं कह दूंगा बच्चे पांच बार कट जाएगा पच्चीस लीटर मिल्क पच्चीस लीटर है और वाटर कितना है बेटा वाटर देखिए पैंतीस पैंतीस को अगर बांटूंगा वाटर में तो यार पैंतीस में से पच्चीस घटा दो वैसे भी कह सकते हो या दो बटे सात गुना पैंतीस कह सकते हो बात एक ही है क्या पच्चीस लीटर और दस लीटर ये बात दो सबको समझ आई या नहीं आई इतना बोलिए इतना बोलिए बच्चे ये बोलिए क्या पच्चीस लीटर और दस लीटर वाली बात सबको समझ में आ गई अगर आ गई है तो बच्चे ये कह रहा है कि पांच लीटर दूध और डाल दो मिल्क और डाल दो पांच लीटर तो नया रेशो क्या हो जाएगा तो मिल्क एंड वाटर का रेशो अब क्या हो जाएगा तो ये मिल्क थर्टी लीटर हो जाएगा और वाटर जो है वो टेन लीटर ही रह जाएगा और मैं काटूंगा तो तीन एक का रेशो आपका उत्तर होगा घना आसान है ना बच्चों घना आसान सवाल है चलिए बफ हो रहा है तो बच्चे आज तो अब क्या करें झेलना पड़ेगा क्या करूं मैं है ना ये नेट कनेक्शन सही कर सकता हूं अपना मैं रुक सकता हूं बीच में सब कुछ ठीक है पता नहीं आज क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा ठीक है चलिए लाइव वीडियो में क्या बोल रहा है एक मिनट पीछे से देखने से बफ नहीं हो रहा है अच्छा बेटा ऐसा कर लो फिर आज आज ऐसे ही कर लो बेटा एक मिनट पीछे से ही देख लो लाइव वीडियो फिर बफ नहीं आ रहा ऐसे बता रहे हैं बच्चे चलो आप ही लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हो ये तो बड़ी बात है बच्चों चलिए थोड़ा बैक कर लो वीडियो को बफ नहीं आएगा ऐसा बोल रहे एक मिनट पीछे कर लो बच्चे YouTube कह रहा है कि लाइव मत पढ़े करो चलो आज थोड़ा बैक हट जाओ बैक गिर लगा लो पीछे हट जाओ पीछे है? हाँ बेटा बीच में रुक रहा होगा वीडियो पर कटिंग नहीं आएगी वीडियो में तो आप एक मिनट पहले ही हटा लो पहले ही पहले ही पीछे बैक गिर लगा लो दस सेकेंड बीस सेकेंड बिल्कुल लाइव मत देखो रेड वाला नहीं आना चाहिए बटन किसी के में जब भी लाइव देख रहे हो तो स्क्रीन पर टच करो रेड आ रहा है यानी लाइव रेड में लिखा आ रहा है तो लाइव है थोड़ा पीछे कर लो फिर वो रेड नहीं आता लिखा चलिए थोड़ा सा पीछे कर लो दस बीस सेकेंड एक मिनट जो भी है चलो यही अब सॉल्यूशन है यही बता रहे हैं बच्चे आप अब देखिए बच्चे तीसरा क्वेश्चन क्या है एक साठ लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात तीन अनुपात एक है इस अनुपात को दो अनुपात एक करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए कितना पानी इसमें और मिलाना मिलाया जाना चाहिए बेटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इनको मैं जबरदस्त तरीके से सिखाना चाहता हूं आपको तो प्लीज अच्छे से समझिएगा साठ लीटर का मिश्रण है उसमें दूध और पानी का रेशो दे रखा है तो दूध कितना और पानी कितना बेटा बांट सकते हो या नहीं बस जल्दी से बता दीजिए अगर मैं दूध देखूंगा तो तीन है कितने में से चार में से गुना कितने लीटर बांटना है साठ बांटना है तो पंद्रह थी पैतालीस लीटर तो बच्चा दूध हो जाएगा और बचा हुआ पानी ही होगा क्योंकि साठ लीटर का मिश्रण है तो पैतालीस दूध तो पंद्रह पानी होगा इसमें कोई शक है यहाँ तक किसी भी बच्चे को क्या सबको ये बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई चलिए बच्चे बेटा बफ हो रहा है तो पीछे हट लो थोड़ा सा बस वीडियो को लाइव मत देखो चलो फिर बफ नहीं आएगा सही हो कह रहे हैं बच्चे अब आगे देखना बच्चे कि इस अनुपात को दो अनुपात एक करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ये दो एक का अनुपात करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए बच्चों एक बात देखना बस या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए बेस्ट तरीका इसका ऑप्शन से कर दीजिए अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक और तरीका सिखाने जा रहा हूं देखिए अनुपात कितना करना है हमें दो एक ध्यान देना इस दो एक का मतलब है कि ये चीज दुगनी हो और ये चीज आधी हो इसकी दुगनी ये हो जाए तो क्या दूध में कोई चेंज किया है न्यू बताओ बस मुझे क्या मिला रहा है इसमें कह रहा कितना पानी और मिलाए तो बेटा दूध तो नहीं मिलाया ना तो दूध तो 45 ही है और 45 है इसका दुगना करना है ये तो भाई ये तो अपनी जगह पे रहेगा तो इसको कितना कर दू ताकि ये दुगना बैठे इसका भैया इसका आधा हो जाना चाहिए वो इसका आधा होने के लिए कितना चाहिए होगा साढ़े बाईस चाहिए होगा भाई तभी तो दुगुना होगा ना इससे इसका आधा साढ़े बाईस ही बैठेगा ना बच्चों और पहले से हमारे पास पानी कितना था पंद्रह लीटर तो कितना पानी और मिलाया जाए जो ये इसका आधा हो जाए तो भैया साढ़े सात लीटर पानी और मिला दो आधा हो जाएगा कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है ठीक है बच्चों बहुत ही सिंपल तो बिल्कुल नहीं चल रहा है बेटा इसको ना आकाश पीछे से देख लीजिए थोड़ा लाइव मत देखिए प्लेयर टू में आ जाइए और बैक हट जाइए थोड़ा सा एकदम सही चलेगा एकदम सही चलेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सही चल रहा है ठीक है चलिए क्योंकि आज ये YouTube की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है चलो हाँ अभी सब सही है बच्चों आप थोड़ा सा बैक हटिए एकदम से लाइव मत आइए चलिए ठीक है सभी का इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा सही चल रहा है लाइव नहीं चल रहा है बस बैक हटा जाइए बैक आ जाइए बच्चे थोड़ा सा जो लाइव की लाइन है ना उसे न्यू कर दो बस बैक चलो क्लियर हाँ अब बच्चों मैं अगले सवाल पे चलूं क्या ये सबको समझ आया या नहीं आया ये बताओ बफ नहीं परेशान कर रखा है मेरे बच्चों को चलो क्या बोले ठीक है अभी सही है अभी एक बार यूट्यूब वाले भी बता दें कि सब सही चल रहा है बच्चे सब सही है ना हाँ सही चल रहा है चलिए बेटा जिनको परेशानी हो रही है थोड़ा लाइव मत देखिए आज थोड़ा बैक हो जाइए सब सही हो जाएगा सब सही हो जाएगा बच्चे ठीक है क्योंकि आप परेशान रहेंगे तो मैं भी उतना ही परेशान रहूंगा आपको देखकर चलो क्लियर है आगे बढ़ जाऊं क्या सही है बहुत बढ़िया अब बच्चों आगे बढ़े क्या साढ़े सात लीटर वाली बात समझ में आ गया क्वेश्चन बड़े जानदार थे बड़े शानदार थे बच्चों ठीक है बहुत मन कर रहा है इनको करवाने का अब अगले सवाल को देखिए एक बार ठीक है प्ले टू में जो देख रहे हैं बेटा वो पीछे करिए थोड़ा सा पीछे करिए लाइव मत देखिए एकदम सही चल जाएगा कहीं नहीं रुकेगा लाइव जो देख रहे हैं बच्चे उनको समस्या आ रही है आज मतलब जस्ट दस पंद्रह सेकंड पीछे हटा लो बस वीडियो को फिर कोई बफ नहीं आएगा चलो अगले सवाल पे आता हूं एक धातु में तांबा और जिंक नौ रेशो चार के रेशो में है चौबीस किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा बेटा नौ रेशो चार किसका है ध्यान दीजिएगा तांबा और जिंक यानी कॉपर और जिंक कितना है नाइन रेशो फोर नाइन रेशो फोर तुम थोड़ा बैक करके देखो लाइव में सही तो चल रहा है हाँ देखो चलिए नहीं चल रहा अब भी कैसे कह रहे हैं बच्चे पता नहीं बेटा पीछे कर लो ना थोड़ा सा एक मिनट फिर देखो फिर देखो कुछ भी दिक्कत आती है तो ये वीडियो बाद में देखोगे ना आप तो कोई बफ नहीं आएगा किसी भी तरह का क्योंकि है ही नहीं हमारी तरफ से एक्सीलेंट कनेक्शन आ रहा है नेट का क्या करें बताओ तांबा और जिंक नौ अनुपात चार चौबीस किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा बेटा न्यू कह रहा है एक मिनट सुनना बस कि अगर तांबा 18 होता तांबा अट्ठारह होता तो यू कह रहा है इसमें जिंक कितना करना होता आपको ये दुगना है तो ये भी दुगुना ही करना पड़ेगा अर्थात आठ अगर तांबा सत्ताईस होता तो ये कितना करना पड़ता चारती बारह तो यानी रेशो यही रहे और तांबा इतना होता तो जिंक उसके हिसाब से ही बढ़ते रहते हम लेकिन बच्चों इसने क्या बोला कि जिंक ऐसे नहीं है वो का गुणज नहीं है का मल्टीपल नहीं है तांबा जो है वो चौबीस किलोग्राम है अब 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा तो बेटा नौ का अगर ये पहाड़ा होता 27 होता तो मैं जस्ट इसका भी तीन गुना कर देता ये छत्तीस होता चार गुना होता चार चौके सोलह कर देता क्योंकि तो जितने गुना ये उतने ही गुना ये तो भैया ऐसा कर लो आपसे ये कह रहा है वो इसका कहने का मतलब है कि नाइन रेसो वाला चौबीस किलोग्राम है नाइन रेसो वाला चौबीस किलोग्राम है ठीक है बच्चों और एक रेशो में कितना मान होगा 24 बटे नौ होगा बेटा एक रेशो में 24 बटे नौ यानी मैं कह दू तीन अट्ठे चौबीस कितने का आठ बटे तीन का है बच्चों बिल्कुल सही है अब बच्चों मुझे किसका मान निकालना है जिंक कितना चाहिए तो जिंक तो चार रेशो का मान चाहिए ना बच्चे तो आठ बटे तीन गुणा चार यानी बत्तीस बटे तीन और तीन का भाग दूंगा तो दस या तीस दो शेष बचेगा दस सही दो बटे तीन किलोग्राम दस सही दो बटे तीन किलोग्राम हमें जिंक पिघलाना होगा बच्चों जिंक पिघलाना होगा चलिए बहुत बढ़िया चलिए सर महाराष्ट्र में तो सही चल रहा है आ, अच्छा ऐसा भी दिक्कत हो सकती है बफ हो रहा है बैक करने पे भी एक 45 मिनट पीछे करने से क्लियर हो रहा है और यूट्यूब की तरफ से ही है हुआ बहुत बढ़िया चलो बेटा बैक करके देख लो आज मुझे थोड़ा सा लाइव मत देखो बस लाइव मत देखो बाकी सब हो जाएगा एक दो मिनट पीछे जितना पीछे हटोगे बफ नहीं आएगा जैसे ही आप लाइव पे पहुंच गए बफ आ जाएगा ऐसा चल रहा है कहानी कुछ चलो बच्चों ये कह रहा है आज लाइव मत देखो अंकित भाटी को बेटा अगले सवाल पे चलता हूं 28 लीटर झारखंड में लाइव मस्त चल रहा है हाँ ये ऐसा है कि आज भैया यूट्यूब कुछ पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत कर रहा हो ऐसा भी हो सकता है लाइव नहीं चल रही वीडियो ऐप में ठीक चल रही है पता नहीं क्या हाँ किसी का बहुत बढ़िया चल रहा है किसी का बिल्कुल नहीं चल रहा है आज क्या हो रहा है पता नहीं समझ नहीं आ रहा यूट्यूब पे ऐप पे दिक्कत होती समझते हैं कि हमारी ओर से है लेकिन आज यूट्यूब पे दिक्कत है तो समझ जाओ कि भैया आज पीछे से ही कुछ दिक्कत है एम में भी सही है चलो सही है ये पर्टिकुलर मुझे लग रहा है वेस्टर्न यूपी में ज्यादा दिक्कत है एकदम से हुई है बिहार ओके देखो बनारस में मस्त चल रहा है तो भैया ये वेस्टर्न यूपी की दिक्कतें लग रहा है अट्ठाईस लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात पांच अनुपात दो है इसमें कितना तेल और मिलाया जाए यह अनुपात इतना हो जाए बच्चों आज शायद फिर आपकी ना हर वीडियो में दिक्कत आ रही होगी किसी भी चैनल पर देखेंगे लाइव वीडियो में दिक्कत चली रही होगी आज बेटा 28 लीटर का मिश्रण है पांच दो का रेशो है तो पेट्रोल कितना होगा पेट्रोल बेटा होगा पांच बटे सात गुना अट्ठाईस और मैं कह दूंगा कि भैया बीस लीटर पेट्रोल और अगर मैं तेल की बात करूं तो तेल होगा दो बटे सात गुणा अट्ठाईस यानी आठ लीटर तेल तो बेटा पेट्रोल और तेल बीस लीटर और आठ लीटर हो गए अब कहता है इसमें कितना इसमें कितना तेल और मिलाया जाए बेटा तेल मिलाना है पेट्रोल नहीं मिलाना है कितना तेल मिलाया जाए सिर्फ तेल ध्यान देना बच्चों तेल मिला दे जो ये दुगना हो जाए और ये आधा हो जाए तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि पेट्रोल तो मिलाना नहीं है अगर इसमें दो लीटर मिला दूं तो दो एक का रेशो हो जाएगा वो दस हो जाएगा और ये वो सॉरी वो बीस हो जाएगा और ये दस हो जाएगा कुल मिला के दो एक का रेशो बीस दस के करने से हो जाएगा तो तेल कितना मिलाना पड़ा मात्र दो लीटर और हमारा उत्तर बेटा साफ साफ चमक रहा है बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा खुद बताओ बच्चों ठीक है तो ऐसे सवालों को जब करना हो तो पहले तेल पानी को अलग अलग यानी तेल पेट्रोल को अलग अलग बांटो और फिर कहता है कि दो एक का रेशो बेटा सबसे आसान रेशो यही है यानी ये चीज दुगनी और ये चीज आधी तो दुगनी आधी मिलाना क्या है बच्चे मिलाना है हमें तेल मिलाना है तेल बेटा ऐसा भी हो सकता था कि वो तेल ही मिलवाएगा क्या सर कम वाले में मिलवाएगा या पेट्रोल भी बेटा पेट्रोल भी मिलवा सकता है और कह सकता है कि पेट्रोल और तेल इसमें कितना पेट्रोल और मिलाया जाए कि ये रेशो तीन एक का हो जाए तीन एक का तो तीन एक का मतलब है ये चीज यही रखनी है आठ को नहीं छेड़ना है बीस में मिलाना है तीन एक का मतलब होगा कि ये तीन गुना उसका तो बेटा चौबीस हो जाएगा तो इसका तीन गुना तो फिर मैं कहता चार लीटर पेट्रोल मिलाया जाए तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों तो बहुत ही आसानी से आप सवाल कर पाओगे बहुत ही सिंपल वे में बेटा आज 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 जो है वीडियो चाहे तो आप लाइव मत देखो मैं बेटा हर टीचर चाहता है उसके लाइव काउंट बढ़े लेकिन आज मैं कहता हूं अपने बच्चों से ताकि उनका टाइम खराब ना हो तो आप लाइव मत देखो चाहे अगर दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज बाद में देख लेना क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा तो मैं मुझे बुरा लगेगा बच्चों है ना तो आप बाद में देख लेना चाहे आज जिसका ऐप चल रहा है सिर्फ वो देख लीजिए मतलब ऐप नहीं सॉरी यूट्यूब पे जिसका सही चल रहा है क्योंकि बफ इस तरफ से बिल्कुल नहीं है बाद में देखोगे सब कुछ सही चमक चमकेगा सब कुछ सही चलेगा उत्तराखंड में भी नहीं चल रहा है ये वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड तो मिले ही हुए हैं ना बच्चे बिल्कुल इस एरिया में पूरे में दिक्कत है आ जाओ तो देखिए बच्चे धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का सौ किलोग्राम मिलाया गया है यदि धातु ए में सीसे और टिन का अनुपात तीन अनुपात दो हो तथा धातु बी में यह अनुपात चार अनुपात एक हो तो नई धातु में तीन कितना होगा बच्चे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है धातु ए बेटा धातु ए मान लीजिए यह है एक धातु बी है एक धातु बी है इसमें यह ए जो धातु है यह साठ किलोग्राम की है बच्चों और ये जो बी धातु है सौ किलोग्राम के प्रैक्टिकल समझना बच्चे इसमें जो सीसे और टिन का अनुपात है सीसे सीसे और टिन का जो अनुपात है वो तीन दो है और इसमें धातु बी में सीसे और टिन का जो अनुपात है बेटा वो चार अनुपात एक है बात क्लियर हो गई बेटा बहुत सही तो सीसा टिन का अनुपात ये दे रखा है क्या आप साठ में से ये बता सकते हो सीसा कितना है टिन कितना है यहां सौ में से सीसा कितना है टिन कितना है बता सकते हो क्या अलग अलग बिल्कुल बता सकते हैं सर सीसा कितना है बच्चे जल्दी से बता दो सीसा हो जाएगा इसमें ए धातु की बात कर रहा हूं मैं ए में ए में बच्चे तो सीसा हो जाएगा तीन बटे पांच गुणा साठ क्या बच्चे ऐसा ही करोगे हाँ जी तो 36 किलोग्राम तो शीसा हो गया बचा कुछ होगा तो आपको दो बटे पांच गुणा साठ करने की जरूरत नहीं है सीधा साठ में से छत्तीस घटा दो चौबीस किलोग्राम टिन क्या इसकी दोनों चीज निकल गई है शीसा कितना है टिन कितना है बहुत बढ़िया अब बच्चे क्या इसमें भी ऐसे ही निकाल सकते हो शीसा कितना है बच्चा सीसा होगा चार बटे पांच गुणा सौ अब मैं इसको काटूंगा बच्चों तो ये 80 किलोग्राम सीसा इसमें है बचा कुचा टिन होगा करने की कुछ जरूरत नहीं है एक बटे पांच वगैरह सीधा कह दो 20 किलोग्राम टिन होगा अब क्या कह रहा है आपको सीसा टिन दोनों में पता चल गया कितना कितना क्या क्या है कह रहा है कि भैया ये, ये अनुपात हो तो नई धातु में टिन कितना होगा इन दोनों को किसी एक धातु में मिलाया गया है खुद कह रहा है ए और बी को मिक्स किया गया तो नई धातु जो बनेगी नई धातु में सीसा लो जी छत्तीस किलो सीसा अस्सी किलो किलो टिन किलो इतना डाला नई धातु में तो नई धातु में क्या होगा फिर बताओ बच्चों ऐसा उठा उठा कर डाल दिए भैया नई धातु में क्या पूछा उसने टिन पूछा कितना होगा तो भैया टिन यहां कितना था चौबीस किलोग्राम ये वाली धातु में से चौबीस किलोग्राम गया उस वाली धातु में से बीस किलोग्राम गया तो टोटल 44 किलोग्राम टिन पहुंचा कि नई नई धातु के अंदर और भाई पुरानी धातु का देख वो सॉरी नई धातु में सीसा देखूंगा तो 36 प्लस अस्सी हो जाएगा 116 किलोग्राम तो कुल मिलाकर के 44 किलोग्राम नई धातु में टिन होगा क्या ये बात सबको समझ में आ गई बहुत ही आसान बात थी बहुत ही आसान बात थी बहुत ही आसान बात थी ठीक है बच्चों चलिए क्लियर है बेटा अगर किसी के बफ आ रहा है मैं फिर कह रहा हूं वीडियो अचानक से रुक रही है फिर कह रहा हूं आज लाइव मत देखो बाद में देख लेना इसका मैं नहीं तुरंत सोल्यूशन यूट्यूब का तो मैं नहीं कर पाऊंगा है ना बच्चों क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से ही दिक्कत है तो हम उसको तो नहीं कर पाएंगे बच्चों चलिए हमारी तरफ से कुछ भी दिक्कत होती हम जरूर करते बच्चों अगले सवाल पे चलता हूं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ना बच्चों बस मैं तो आज जा रही हूं सबको छोड़ के चलो कोई बात नहीं सातवां क्वेश्चन दो धातुओं में से जिंक तथा तांबे का अनुपात दो अनुपात एक, एक बटे पांच क्यों नहीं कौन सा सवाल देखे ना बच्चे का डाउट था शायद क्यों ऊपर ऊपर भाग गया हाँ और, और 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 एक बटे पांच क्यों ले रहे हो बेटा एक बटे पांच इसलिए ले रहा हूं एक और चार संडी शर्मा एक और चार का रेशियो है और अनुपातिक योग नीचे लेता हूं एक और चार का योग इसलिए पांच क्योंकि रूल ये कहता है कि जिसका निकाल रहे हो वो ऊपर अनुपात और बटे अनुपातिक योग ठीक है तीन अनुपात होते तीनों को जोड़ के नीचे लेता ये बच्चे तीन दिन से सिखा रहा हूं सेम बात चलिए अब बच्चों देखो दो धातुओं में से जिंक और तांबे का अनुपात दो अनुपात एक है तथा चार अनुपात एक है दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए बेस्ट क्वेश्चन है और बच्चों में कह रहा हूं एस एस के एस एस के किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा यह लेकर एस एस से चाहे यूपीएसआई हो या कुछ भी हो सब जगह ये क्वेश्चन बच्चों भरपूर मात्रा में पूछा जाता है अब मैं यूपीएसआई के पिछली बार के सेट की बात करूं तो इतनी बार ये क्वेश्चन बना है लगभग हर सेट में ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों ठीक है तो अब मैं अगर देखू इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको डाल लीजिए और बेटा सीखना है पूरा जोर लगा देना सीखने में और मैं सिखाने में जोर लगा दूंगा आपको तो भाई इसके दो तरीके बताऊंगा बच्चों में एक तो एक तो तरीका है कि आप बटे वाले तरीके से कर लें और एक तरीका है बेटा सिंपल तरीके से कर लें बेटा मैं दोनों तरीके आपको सिखाने जा रहा हूं ताकि आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना एक सिंपल तरीका है, लेकिन वो बटे वाला है बेटा ये पहले तो मैं आपको बता दूं इस सवाल की पहचान कैसे करोगे बेटा एक धातु होती है इसमें दो चीजें मिली हुई होती हैं एक और धातु होती है दो धातु हो गई इसमें भी वही चीजें मिली होती है अलग रेशो में जैसे कह रहा है दो धातु हैं इसमें जिंक तांबे का अनुपात दो एक है इसमें जिंक तांबे का अनुपात चार एक है इसमें दो एक है जिंक तांबे का इसमें चार एक है अब कह रहा है दोनों को मिक्स कर दो मिक्स कर दो दोनों को मिला के एक नई धातु बना दी नई जैसे अभी पिछले में मिलाए दोनों को मिला के एक नई धातु बना दी तो जो मिलाई जाती है उसको बीच में रखते हैं और इसमें रेसो आ जाता है तीन एक का ठीक है बच्चों तो इसमें रेसो आ जाता है तीन एक का तो अब इस सवाल को बच्चे कैसे किया जाए कैसे किया जाए या तो अब देखो बच्चों हमें मात्रा पता नहीं है यहां हमें यह नहीं पता कि मात्रा कितनी है नहीं तो हम बांटते और सवाल खत्म कर देते यह हमारा मिश्रण विधि से ही सवाल होगा बच्चों लेकिन मिश्रण विधि में तो ऐसे नहीं कर सकते तो बच्चों आप ऐसा करो इसका अनुपात योग कितना है तीन क्योंकि इसमें तभी बट सकता है जब संख्या तीन से कटेगी मान लो मैं किसी चीज को बांटने लगू मुझे चाहिए ये वाली चीज चाहिए तो दो बटे तीन गुना यहां ऐसी संख्या आनी चाहिए जो तीन से कटे तभी तो बट पाएगा नहीं तो बट नहीं पाएगा तो बच्चों ये अगर आपको बिना बटे वाले तरीके से करना है तो आप इसके दो तरह तीन ये तीन है ये पांच है और ये है कितना बच्चा ये है चार इन सब की इन सब का LCM ले दो चार पांच तीन की तो ही होगी बच्चा साठ आ गया साठ आ गया तो भाई साठ को आप साठ लीटर का मिश्रण मान लो सब को ये भी साठ का ये भी साठ का ये भी साठ का ठीक है और इन साठ में ये बांट के दिखा दो मुझे तो कि कितना कितना इसमें पहली धातु क्या तांबा तांबा कितना आ रहा है तो इस सवाल को मैं सिर्फ तांबे तांबे से कर दूंगा तांबा कितना है इसमें तांबा कितना है बच्चा दो बटे दो बटे तीन गुणा साठ और इसमें तांबा कितना है चार बटे पांच गुणा साठ और इसमें तांबा कितना है तीन बटे चार गुणा साठ अब बच्चों ऐसे कर दो उत्तर आ रहा है आपका सीधा तो मैंने देखा ये चालीस है मैंने देखा ये अड़तालीस है मैंने देखा ये पैतालीस है चालीस और पैतालीस घटाओगे बेटा पांच आ जाएगा अड़तालीस और पैतालीस घटाओगे बेटा तीन आ जाएगा ये रहा उत्तर सीधा सीधा तीन पांच ये मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है बच्चों एकदम सिंपल तरीका ठीक है बच्चों, तो तीन एक का रेशो बेटा खुद दिया है तीन रेशो एक मैंने अपने पास से नहीं लिया है यह कहता है कि एक धातु है जिसका दो एक का रेशो एक धातु है जिसमें चार एक का रेशो है दोनों को मिलाओगे तो तीन एक का रेशो बनाना है तो किस अनुपात में इस धातु को और इस धातु को आपस में मिलाया जाए तो ऐसा अगर सवाल बनता है बच्चों तो आप क्या करते हैं आप इनको बच्चों मैंने सिंपल वे बताया है कि ती दो एक यानी तीन ये पांच ये चार तीन चार तीन पांच और चार अनुपातिक योग करा इनका तीन पांच चार तीनों से कटने वाली संख्या है साठ तो आप मान लीजिए आपके पास साठ लीटर का ये मिश्रण है साठ का ये साठ का ये है अब सवाल एक ही चीज से होगा या तो तांबे से करना है या जिंक से आप चाहो तो जिंक की भी मात्रा निकाल सकते थे समय एक ही चीज से करना है या तो तांबे से या जिंक से तो मैंने किससे किया तांबे से किया कोई सी एक चीज से तो तांबे से किया तो यहां पर तांबा कितना है दो बटे अनुपातिक योग तीन गुना कितना है साठ लीटर मिश्रण तो बेटा ये चालीस आ गया ऐसे ही अब आप दूसरी धातु यानी ये धातु पहली है ये धातु दूसरी है अब दूसरी धातु में तांबा देखूं तो चार बटे पांच गुणा साठ बेटा मैंने काटा तो ये अड़तालीस आया ये चालीस था ये अड़तालीस था और पूरे का रेशो तीन एक बन जाए अर्थात इस रेशो में इसको भी साठ कोई बांट दो इसमें तो मैंने देखा तीन बटे चार गुणा साठ और ये बेटा आया पैतालीस ये कितना आया पैतालीस तो भाई अगर ये 45 आया ये 40 आया ये 48 आया तो इसको मिश्रण विधि लगा दीजिए 40 और 45 का अंतर पांच 48 और 45 का अंतर तीन ये रहा उत्तर बेटा ये मैंने बताया एकदम जो बच्चा एकदम सिंपल करना चाहता है एक और ट्रिक इसकी हो सकती है कि आप अगर साठ से ना करो तो सेकंड मेथड और सीख लो अगर आप चाहते हो तो सेकंड मेथड सेकेंड मेथड जिसमें आपको 60 वाट कुछ नहीं सोचना सिर्फ इतना सोचना है कि भैया जिंक और तांबे का अनुपात दो और एक है तो भैया पहले लिख दो कि मैं इस सवाल को तांबे से करूंगा पहली चीज से करूंगा तो पहली धातु ये रही दूसरी धातु ये रही पहली धातु में तांबा कितना है दो है कितने में से है तीन में से है दो बटे तीन दूसरी धातु में तांबा कितना है चार है कितने में से है पांच में से है और बेटा दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि नया अनुपात तीन अनुपात एक हो जाए नया अनुपात जरूर देगा दोनों को मिलाने पे तो इसका मतलब तीन बटे चार और बेटा इनको अगर मैं घटाऊंगा तो जो उत्तर आएगा वो तीन पांच ही आएगा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनको ये माइनस किया जाता है बेटा अब ये माइनस बटे वाला है ना तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा इस बात में बस यही दिक्कत है उसमें आपको बटे का चांस खत्म हो जाता है और इसमें आपको बटे की घटाने पड़ते हैं तो दो बटे तीन माइनस तीन बटे चार लघुत्तम बारह तीन चौके बारह है चार दुनिया आठ चार तिया बारह तीन तिया नौ माइनस में कुछ मत लेना बेटा एक बटे बारह तो कौन सी चीज घटाई है आपने ये दोनों घटाई है तो इधर एक बटे बारह और इधर रेशो क्या आएगा बच्चे इनको आपस में फिर घटा दीजिए चार बटे पांच माइनस तीन बटे चार मैंने देखा बीस पांच चौके बीस चार चौके सोलह चार पंज बीस पांचिया पंद्रह ये आया बेटा एक बटे एक बटे बीस एक बटे बीस यही आया रेशो अब बच्चों आपको भी पता है तिरछी गुणा की जाती है जब भी बटे में रेशो हो तो बारह एकम बारह और बीस एकम बीस बारह रेशो बीस आ गया तिरछी गुणा करूंगा तो चार से कट जाएगा तीन और पांच उत्तर बच्चा ये आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हो दिक्कत क्या है कि इसमें बटे का अगर आप घटाने में कंफर्टेबल हैं तो यही तरीका बेस्ट है यही सबसे अच्छा है साठ सर ने माना है अपने आप हाँ बेटा साठ हमें मानना पड़ेगा लेकिन वो साठ आया कहां से वो इनका अनुपातिक योग का LCM है वो इनके अनुपातिक योग, इसका तीन इसका पांच चार।, चार से कटने वाली संख्या जो पिछले में साठ मैंने लिया था तो वो अपने पास से मानना पड़ेगा अगर आपको इस बटे के तरीके से बचना है यह सेकंड मेथड है जिसमें बटे से घटाना पड़ेगा आपको जो अच्छा लगे उससे कर लो आपने जिंक से किया है सर नहीं बेटा मैंने तांबे से किया है जिंक से भी आप कर सकते हो जिंक से करोगे तो एक बटे तीन लिया जाएगा ये एक बटे पांच लिया जाएगा और ये एक बटे चार लिया जाएगा नीचे जो होता है ये अनुपातिक योग होता है बच्चों क्लियर चलिए आगे बढ़ सकता हूं और भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं बच्चों ताकि आप कंफर्टेबल फील करने लगे इन सवालों में देखिए जरा दो बर्तनों ए तथा बी में दूध पानी के मिश्रण क्रमशः पांच अनुपात तीन है मिल्क और वाटर के मिश्रण बेटा तीन दूध और पानी के मिश्रण पांच अनुपात तीन है बहुत बढ़िया है अब बच्चों ये कह रहा है दूसरे में फिर ये अनुपात है और इनको फिर कैसे मिलाएं कि ये आधा आधा हो जाए <सपनी> बच्चों कह रहा है आधा दूध आधा पानी बेटा आधा दूध आधा पानी का मतलब आपको बता दूं कि दोनों बराबर बराबर हो जाएं दोनों बराबर कई बच्चे कहेंगे जी आधा दूध आधा पानी का मतलब ये है बच्चों इस बात को गौर से सुनना आधा दूध आधा पानी बिल्कुल ऐसे ही होता है तो बच्चों इसको अगर तिरछी गुणा करोगे तो आप क्या करोगे दो अनुपात दो और इन दो से काटोगे एक अनुपात एक जब भी आपको आधा आधा बोले तो आपको रेशो एक रेशो एक लेना है क्या बच्चा आधा दूध आधे पानी का क्या मतलब है एक एक का रेशो एक एक का रेशो आपको लेना होगा बच्चों तो अब यह सवाल खत्म हो गया समझो एक एक का रेशो है ये और बेटा दूध से करूं या पानी से मैं कह रहा हूं दूध से ही कर लो ज्यादा बढ़िया रहोगे तो आप बताओ कुछ मान के करूं या बटे में करूं जैसे आप कह दो तो फर्स्ट मेथड है कि मैं इनका अनुपातिक योग क्या है आठ आठ इसका अनुपातिक योग क्या है पांच इसका क्या है दो इसका क्या आएगा दो तो आठ पांच दो का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो चालीस आएगा चालीस क्या इन सबसे कट जाएगा जी हां तो चालीस लीटर का मिश्रण मान लो और बेटा दूध से कर लो टोटल मिश्रण चालीस लीटर का है मिश्रण ठीक है और दूध से मैं सवाल कर रहा हूं दूध से ठीक है बच्चों तो ये पहला है ये दूसरा है भैया पहले बर्तन में कितना दूध था यानी ए रहा इस बार तो ए भी मान रखा इसने तो ए बर्तन में दूध था पांच बटे आठ और गुणा कितने लीटर चालीस चालीस अपने पास से बच्चों दो बटे पांच गुणा चालीस ठीक है बच्चों और बीच में क्या है आधा दूध आधा पानी एक अनुपातिक तो एक बटे दो अनुपातिक युग दो है ना और गुणा चालीस बस बच्चे सवाल हो गया आठ ये पच्चीस हो गया आ ये हो गया ये बीस हो गया देखिए 25 में से 20 घटेंगे तो पांच आ जाएगा 16 20 में से 16 जाएंगे तो चार आ जाएगा चार रेसो पांच ही आपका उत्तर हो जाएगा चार रेसो पांच इतना सा सवाल है बच्चों इतना सा सवाल है ठीक है बच्चों इतना सा सवाल है क्या आप सब लोग समझ गए हैं क्या सभी लोग समझ गए हैं बच्चों चार अनुपात पांच चलिए क्लियर है बच्चों बहुत बढ़िया सेकंड वाला मेथड सही है अगर किसी बच्चे को सेकंड से करना है सेकंड सेकंड मेथड बच्चों तो मैं सेकंड भी तो बता रहा हूं आपको जरूरी नहीं है कि आप इसकी मात्रा मानो ये 40 तो हमने माना है इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के कर दिया अगर आप दूध से ही करते हो अभी तो ए क्या है बी क्या है तो ए बेटा पांच बटे आठ है बी क्या है दो बटे पांच है और ये कितना आधा दूध आधा पानी आए तो एक रेशो एक होता है तो एक बटे दो हो जाएगा और मैंने देखा बच्चों घटा के क्या आप घटा पाएंगे बच्चे आप इसको घटा के बताइए कि कितना आएगा इसमें आएगा एक बटे आठ एक बटे आठ अगर मैं इसको घटाऊंगा तो बेटा ये आएगा एक बटे दस घटा लेना आपको घटाना आता होगा ठीक है और इन दोनों का रेशो निकालू दस त्रिम तो आठ दस एक दस। तो चार पांच उत्तर तो आपको इसमें चालीस मानने की जरूरत नहीं है इसमें मानने की जरूरत है बटे की कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों चाहे आपको जैसे भी सवाल करना हो वैसे कर सकते हो ठीक है बच्चों एक और सवाल आता है बच्चों इसको भी ले लेते हैं देखिए मैंने दूध पानी मिश्रण के बहुत सारे आपको सवाल करा दिए हैं अब मुझे लगता है कि ऐसे सवाल सही नहीं समझ है सर जी बेटा मैंने तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आप फिर से देख लेना दो तीन सवाल सिर्फ इसी बात के करा दिए हैं आपको ठीक है ऐसा हो नहीं सकता अगर आप समझ रहे होंगे गौर से तो समझ में ना आए चलिए एलसीएम न ले गुरु जी तो एलसीएम बिना एलसीएम वाला भी करा दिया है मैंने एक एलसीएम वाला भी करा दिया है तो दोनों मेथड करा दिए आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो हाँ। आगे बढ़े क्या बढ़े यह सवाल देखिए बड़ा जबरदस्त घना तगड़ा घना अच्छा सवाल है दो बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात तीन अनुपात एक है बच्चों ध्यान देना दो बोतल में दो बोतल में मदीरा एक बोतल होनी चाहिए पता नहीं दो कैसे आ रही है मदीरा और पानी दारू और पानी का अनुपात बच्चों पहले सवाल को समझना सवाल क्या कहता है कि एक बोतल है बेटा बोतल बड़ी अच्छी बना लेता हूं मैं बना के दिखा देता हूं बड़ी आसान ड्राइंग ड्राइंग है ना बोतल की वो मेरे को आती है ये लीजिए ये बन गई बोतल इस बोतल में दारू तीन हिस्सों में तीन हिस्सों में दारू एक हिस्से में पानी तो बच्चे क्या दारू और पानी अलग अलग है? ये तो मिक्स हो जाएंगे बिल्कुल बेटा ये दोनों चीजें बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी मिक्स हैं अब जो है पीने बैठे तो कहता है फिर जो एक आदमी है उसमें भैया मेरा ऐसा परहेज बताया डॉक्टर ने कैसा परहेज बताया है कि मैं बराबर दारू और बराबर पानी लेता हूं अगर एक बूंद भी इधर उधर होगी भगवान ने कह दी वो सॉरी डॉक्टर ने कह दी उसी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा अगर एक बूंद भी इधर उधर गई तो अब बच्चों अब तो यार इज्जत का सवाल है वो बेचारा वहीं मर जाएगा नहीं तो उसने कहा मैं तो तभी शर्त पे पीऊंगा इसी शर्त पे पीऊंगा कि मदिरा और पानी बराबर बराबर करो बेटा बोतल फुल भरी हुई है इसमें इसमें पहले ही एक हिस्सा पानी का और तीन दारू का है पूरा मिक्स हो चुका है मिक्स कर लिया ऐसे हला हला के अब बच्चों क्या करें अब वो अब इसके लिए कैसे करें कि बराबर पानी बराबर दारू दोनों चीज बराबर हो जा तो वो कहेगा यार ऐसे करता हूं कि इसमें से कुछ दारू निकाल लेता हूं ऐसे दारू पानी दोनों निकलेंगे और इसमें सिर्फ सिर्फ पानी भर दूंगा तो वो जो दारू तीन गुनी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाएगी पानी थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन उसने क्या कही बराबरी चाहिए बिल्कुल नहीं तो यही मर जाऊंगा भाई डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखी है तो भाई वो क्या करेगा अब वो क्या करेगा अब उसको तो धर्म संकट आ गया बच्चे तो ए बराबर बराबर बेटा बराबर बराबर एक एक होता है इसलिए एक बटे दो आया था वो ठीक है तो जहां भी बराबर बराबर बोले या आधा आधा बोले वहां एक अनुपात एक होता है अर्थात मदिरा भी उतना ही पानी भी उतना ही बेटा मदिरा भी उतना ही और पानी भी उतना ही हमें इसमें पिलानी है लेकिन दारू और पानी मिक्स हुए पड़े इतने में तो अब क्या करेगा किस दारू की बोतल का कुछ भाग निकालेगा इसमें से कुछ भाग मिक्सचर का निकालेगा उसकी जगह पानी भर देना है तो न्यू कह रहा कितना भाग निकाला जाए कितना हिस्सा इसमें से इस इस दारू पानी का निकाला जाए ताकि और फिर उसमें पानी भरा जाए ताकि दोनों बराबर बराबर हो जाएं ये बात है अब सवाल तो पूरी फिगर क्लियर हो गई होगी किस टाइप के सवाल बच्चे समझ ही नहीं पाते कि यह कौन सा सवाल है अब आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से तो बच्चों अगर आपको देखो तो इसने क्या भरना है इसमें पानी भरना है अगर उसने पानी भरना है तो दारू तो जिस अनुपात में पहले थी उसी अनुपात में बनी रहेगी आप कहोगे नहीं जी बेटा दारू को तो छेड़ा ही नहीं है ना उसने वो बात अलग है दारू का भी रेशो बदलेगा लेकिन बच्चों दारू को आप बराबर इसलिए करो ताकि उसको पानी ही तो डालना है तो दारू को दोनों जगह से आपको बराबर करना होगा ये तीन है तो इसको भी तीन बनाना होगा और बेटा तीन की गुणा फिर दोनों में ही होगी और नया रेशो तीन रेशो तीन आ जाएगा क्योंकि सिर्फ एक में गुणा नहीं कर सकते ये दारू को क्यों बराबर किया गया है बेटा जो चीज मिलाई गई है यानी पानी डाला गया है तो दूसरी चीज को बराबर करना होगा हमें ठीक है तो हमने देखा कि पानी कितना बढ़ाया है रे दिख गया दारू बराबर करते ही हमें पानी की मात्रा बढ़ी हुई दिख जाएगी कितनी पानी बढ़ाया गया है दो हिस्से पानी बढ़ाए गए हैं कितने पे नया मिश्रण तो ये है रे तो नया मिश्रण कितना है बच्चा तीन प्लस तीन यानी छ का मिश्रण है तो दो बढ़ा कितने पे बढ़ा छह पे बढ़ा अर्थात एक तिहाई बोतल एक तिहाई बोतल खाली कर दो एक तिहाई अगर इसमें साढ़े सात सौ एम दारू है तो ढाई सौ एम खाली कर दो और उसमें ढाई सौ एम पानी भर दो, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे दूध पानी सॉरी दारू पानी बराबर मात्रा में हो जाएंगे अर्थात बोतल एक तिहाई बोतल खाली करनी होगी एक तिहाई बोतल खाली करनी हो कितना बढ़िया तरीका आपको बताया है बच्चों सिर्फ आपको दारू बराबर करनी है अगर दारू में तीन की गुणा करोगे तो वो पानी में भी होगी और फिर मैं तुरंत देखूंगा कि पानी कितना बढ़ा दो बढ़ा नए मिश्रण में बढ़ा दो बटे छ और ये देख सकते हो एक तिहाई यही उत्तर है यही ट्रिक है इस सवाल की तो बच्चों बहुत आसान मेथड मैंने इसको बनाने की कोशिश की है अब ऐसे सवालों को आप बहुत आराम से कर जाओगे और ये सवाल और देख लीजिए बच्चे अब इसमें कुछ खास बचता नहीं है चैप्टर में और मैं ये दिखा देता हूं बच्चों ये एक सवाल कैसे होगा एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य तथा विज्ञान के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या तीन पांच आठ है यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या बीस परसेंट चालीस परसेंट पच्चीस परसेंट की वृद्धि हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात घना आसान है देखिए कला में कितने बेटा ये जो है ना जब भी परसेंटेज में वृद्धि करे और आपको अनुपात में ही तो उत्तर देना है तो आप कला के ये तीन मान लो ये अनुपात में दे रखा है ना अब वृद्धि बहुत आराम से हो जाएगी वाणिज्य के बेटा ये जो अनुपात है ना इनमें जीरो जीरो लगा लो आपके वो पचास भी मान सके? हाँ पांच सौ भी पचास भी पांच हजार भी जो आपका मन करे लेकिन अगर इसको तीन सौ तो ये पांच सौ ऐसा ना हो कि इसको तीस और इसको पांच सौ ऐसा नहीं कर सकते दो दो जीरो लगाओ या सब में एक एक जीरो लगाओ विज्ञान क्या है बेटा अनुपात यही रहना चाहिए बस आठ सौ तो। क्या अब जीरो जीरो कटेंगी सबकी तो रेशो तो वही है हाँ अब क्या कहता है कि इन विभागों में 20 परसेंट वृद्धि बेटा इसका 20 परसेंट बढ़ाऊंगा तो 120 बटे 100 होते हैं नई शर्त के अनुसार ये हो जाएगा तो ये मैंने देखा 360 छात्र हो गए और इसमें 40 परसेंट वृद्धि 140 बटे 100 मैंने देखा चौदह पंजे सत्तर सात सौ हो गए पांच सौ की जगह छात्र बेटा अब इसमें क्या किया 125 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कितना बढ़िया कट रहा है ना बच्चों और ये हो गए बेटा 1000, तो अब आपको ये पूछा है कि इन विभागों में नया अनुपात क्या होगा अब इस अनुपात को निकाल दो बच्चे तो मैंने जीरो 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 सब में आ रही है काट दिया दो से कट जाएगा बच्चों दो से दो से कितनी बार कटेगा अट्ठारह बार दो से पैतीस बार दो से बच्चा ये पचास बार और कुछ कटेगा क्या नहीं अट्ठारह 35 पचास ऑप्शन ढूंढ लो 35 पचास ये रहा बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन था बच्चों बहुत ही आसानी से हमने कर दिया कि जब भी परसेंटेज में वृद्धि आएगी तो चीजों को ना आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लोगे इनको संख्या बना लोगे तीन 500 800 सौ क्योंकि उत्तर में हमें संख्या नहीं पूछी रेशो ही पूछा रेशो तो आ ही जाएगा बच्चों तो बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको जीरो, जीरो लगा के बढ़ा दिया और हमारी वृद्धि फिर पूरे पूरी संख्या में आ गई ठीक है क्या एक और सवाल बिल्कुल सेम टू सेम कर सकते हो बच्चों तीन विद्यालयों में तीन विद्यालयों में एबीसी छात्रों का अनुपात पांच चार सात है तो इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या बीस परसेंट पच्चीस परसेंट बीस परसेंट की वृद्धि कर दी सेम क्वेश्चन है कि नहीं है बिल्कुल सेम है सर। 500 में 20 की वृद्धि, ऐसे कर लेना। फिर चार सौ में चार सौ में पच्चीस जब भी वृद्धि की बात आए, इनमें जीरो लगा दो और भाई अगर सात सौ में बीस परसेंट की वृद्धि वृद्धि को एक सौ बीस बटे अगर ये कमी होती तो बीस परसेंट तो अस्सी बटे सौ करता ठीक है बच्चों और ये लाख के अनुपात ले आना बहुत ही आराम से आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा चलिए बच्चे ये देखिए एक और सवाल आपको दे रखा है और इस पर मैं लास्ट करूंगा आज का और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ठीक है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जरा देखिए ये देखिए बच्चे जितने समय में एक खरगोश पांच छलांगे लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता तीन छलांग बेटा कल एक न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है कल न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा पार्टनरशिप जिसने रेशो पढ़ा है भाई उसको बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर में साझेदारी पार्टनरशिप कल हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे दो क्लास लगेंगी बच्चों इस पे और दोनों क्लास में बेस्ट मटेरियल होगा और आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा ठीक है बच्चों चलिए तो कल की क्लास में एकदम न्यू चैप्टर जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए भी कल से ही क्लास वो करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसकी तो ये पांचवी क्लास है बच्चों चलिए अगर मैं देखूं बच्चों जितने समय में एक खरगोश पांच छलांग लाता लगाता है देखो खरगोश ये रहा फुदका 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 पांच छलांग लगा दी एक दो तीन चार पांच मतलब ये अगर इतने ही समय में पांच छलांग लगाता उतनी देर में कुत्ता बिचारा तीन ही बार खरगोश फुर्तीला रहे ना कुत्ता बिचारा तीन ही बार छलांग लगा लेकिन इसकी छलांग बड़ी होती है दूसरी छलांग तीसरी छलांग कुत्ते की वो थी खरगोश की भाई ऐसे छलांग लगा रहे दोनों चलो इसने भी उतनी देर में उसने भी उतनी देर में अब न्यू नहीं पता कौन सा ज्यादा दूर गया होगा बेटा कुत्ते की छलांग बड़ी है वो खुद कह रहा है देखो ये कह रहा कुत्ते एक छलांग में जो कुत्ता है ना वो खरगोश की तीन छलांगों में यानी कुत्ता एक छलांग में इतनी दूर दाग जाता दूसरी में तो खरगोश भाई बहुत पीछे रह जाएगा दूसरी में ही तीसरी में और बढ़िया तीसरी में तो भाई वो खूब ठीक हाँ कल बेटा मैथ्स का टेस्ट नहीं हुआ था दीपक सर को कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया था और आपके लिए नोटिफिकेशन डाला भी गया था तो प्लीज आज वो मैथ्स का टेस्ट होगा आपका जो भी है ठीक है जो भी चल रहा है तो वो चार बजे वाला मैथ्स का टेस्ट आप सब लोग पूरे मन से दिया करो ठीक है ये सब कुछ जो पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ जैसे ही क्वेश्चंस बनते हैं तो खरगोश की तीन छलांग तो दूर गया तो जो कह रहा है फिर कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात बताओ बेटा बहुत ही आसान है कैसे अगर खरगोश एक छलांग में एक चीज चलता है तो आप देखना खरगोश जो है एक छलांग में मान लो एक मीटर जाता है पांच छलांग में भाई समय तो बराबर ही लग रहा है इतने समय में ये पांच मीटर दूरी जाएगा कि नहीं जाएगा खुद बताओ पांच मीटर ठीक है पांच मीटर तो इसकी चाल क्या हो जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय कोई भी दूरी है तो भाई पांच पांच आप ऐसे मान लीजिए चलिए ठीक है तो अब ये उतने ही समय में बच्चों अब ये जो उतने ही समय में ये कितना जाएगा कि ये तीन मीटर चलता एक ही छलांग में तो ये नौ मीटर दूरी तय कर देगा तो भैया चाल किसकी मान लो ये एक सेकंड में ही चल रहे है, ये भी एक सेकंड में तो इसकी चाल तो पांच मीटर एक सेकंड में और इसकी चाल नौ मीटर एक सेकंड में तो ये चाल हो गई समय देखो बराबर समय में ये चाल ये जो दूरी है बराबर समय में इसमें कोई टेंशन नहीं है तो इसकी चाल नौ की है इसकी चाल पांच की है खरगोश की पहले पूछिए क्या कुत्ते की पहले पूछी है कुत्ते की नौ है और खरगोश की पांच है नौ पांच का रेशो बच्चे ये उत्तर आ जाएगा क्योंकि कुत्ते की नौ होनी चाहिए कुत्ते की नौ कुत्ता नौ मीटर एक सेकंड में अगर ये एक सेकंड में तीन छलांग मारे ये एक सेकंड में पांच छलांग मारता है तो भाई तो ये पांच छलांग मारता है एक मीटर की एक छलांग है तो पांच मीटर प्रति सेकंड और ये बेटा 9 मीटर प्रति सेकंड तो ये चाल हो गई इनकी अब ये अगर चाल हो गई तो यही रेशो आपसे पूछा गया है कि कितनी देर में चलेंगे 9 पांच किस रेशो में दौड़ रहे होंगे तो बहुत बढ़िया बच्चों बहुत आसानी से सवालों को समझा आपने और मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे सवालों में आप गलती नहीं करोगे आज बफ की बहुत समस्या रही फिर भी बहुत सारे बच्चे लगातार बने रहे ये आपका प्यार है बच्चों और अगर मैं बोलूं कि अगली जो क्लास होगी पार्टनरशिप की बहुत मजा आने वाला है आपको बच्चों पार्टनरशिप के वे सवाल जिनको हम देख करके भाग जाते थे अब वो सबसे आसान चैप्टर आपके लिए बनने वाला है कल सुबह सवा छह बजे के आसपास में आ जाता हूं उसी में ठीक है बच्चों तो बहुत सही आगे बच्चों फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं कहा कब प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ कर दो अच्छा देखते हैं बच्चे फिर क्या कर सकते हैं उसका ठीक है तो अब मैं आता हूं अपनी रीजनिंग पे कागज मोड़ना काटना चल रहा है तो आज काटना सिखाता हूं कल मोड़ना सिखाया था चलिए बच्चे आ जाइए जुड़िए सूर्या बैच में